बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल के सामईन व नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नुस्खा है उन लोगों के लिए कि जिनके साथ कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा पतलापन है जिनके वीडियो के अंदर, या फिर जब उनका इजाकुलेट होता है तो फिर वो जंप करके नहीं निकलता, या फिर उनको वो लज्जत हासिल नहीं होती जो लज्जत हासिल होनी चाहिए, या फिर इतना ज़्यादा पतलापन है वीडियो के अंदर कि एक या दो सेकंड भी होल्ड नहीं हो पाता और इजाकुलेशन हो जाता है। उन सारे लोगों के लिए सिर्फ दो जड़ी बूटियों का बहुत कमाल का नुस्खा कि जो आपके वीडियो को गाढ़ा भी करेगा, और जब ये इजाकुलेट होगा, जब निकलेगा तब ये जंप करके निकलेगा और गाढ़ा निकलेगा। इससे आपको सेक्सुअल मोमेंट का इंजॉय भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा और आपका इरेक्शन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने चीज़ें क्या लेनी है बग़ैर वक्त ज़ाया किए, सुनिए। आपने 250 ग्राम इमली के बीज लेने हैं और 100 ग्राम कूजा मिश्री लेनी है। इमली के बीजों को आपने 3 दिन तक पानी में भिगो के रखना है और 3 दिन के बाद आपने उनको निकाल लेना है, छिलका उतार देना है, छिलका फूल जाएगा, थोड़ा सा सुखाना है। सुखाने के बाद आपने उसका पाउडर बनाना है, कूजा मिश्री का पाउडर बनाना है, और उसके बाद आपने दोनों दवाओं को मिक्स करना है। अब आपने डोज लेने का तरीका समझना है, वो कैसे लेनी है। आपने सुबह को खाली पेट आधा चम्मच एक गिलास दूध से, रात को सोते वक्त आधा चम्मच एक गिलास दूध से, कब्ज़ करने वाली चीज़ों से, तली भुनी खट्टी गर्म चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। आप यकीन करिए, जो चीज़ें मैंने बातें की हैं कि आपका वीर्य जम करके निकलेगा, गाढ़ा हो जाएगा, इरेक्शन हार्ड हो जाएगा, इजाकुलेशन जो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, प्रीमैच्योर इजाकुलेशन की जो बीमारी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद 40 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे 500 या 1000 रुपये खर्च हुए सिर्फ, इससे भी बल्कि कम, और मेरे अंदर पावर ऐसी आ गई कि लाखों रुपए खर्च भी कर देता तब भी ऐसी पावर मुझे नहीं मिलती। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, मुझे उम्मीद है नुस्खा आपको अच्छा लगा है। आप इसे ज़रूर करिएगा, अल्लाह पाक इससे आपको शिफा दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।